हमारे साथ है रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी। सुरेश जी, कैसे बधाई दी आपने और मुलाकात कैसी रही कोविंद जी से? ठीक है, कोविंद जी जैसे व्यक्ति अभी राष्ट्रपति पद पे विराजमान होंगे, हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य की बात है। आम आदमी की सभी चिंताओं से परिचित है, कठिन परिस्थितियों का अनुभव भी किया है, सामना भी किया है, और बहुत अनुभव और एक गहरे ज्ञान के साथ वो आज राष्ट्रपति पद पर जाकर बैठेंगे, तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस लगन से, जिस जोर से काम करके देश को आगे लाने के लिए काम करें, उसमें ऐसे व्यक्ति के साथ राष्ट्रपति बनना हमारे लिए एक बहुत ही आनंद का विषय है। हम सब मिलके देश को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। प्रभु जी, विपक्षी कुछ नेताओं ने भी सपोर्ट किया है, एक नया ट्रेंड आप देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? देखिए, ये तो चुनाव जब होता है तो मतदाता को ही अधिकार होता है कि अच्छे उम्मीदवार को चुन के देना। उन्होंने कोविंद साहब के वोटिंग करके ये दिखाया कि हम कोविंद साहब ऐसे व्यक्ति है कि जिनके लिए दल से भी उठकर देश की जनता चाहती है कि ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति बने। इसके लिए उसका परिवर्तन, इसका प्रतिबिंब जरूर जब मतदाता विधायक हो या सांसद हो, वो जब मतदान करते तो उनको भी पता चलता है कि लोगों की भावना क्या है, तो लोगों की भावना के अनुसार मतदान हुआ। मीरा कुमार जी ने कहा है कि विचारधारा की लड़ाई नतीजे आने के साथ खत्म नहीं हुई, आगे भी जारी रहेगी, उसे कैसे देखते हैं? ये मैं भी विचारधारा का ही विजय मानता हूँ कि देश में जो एक विचारधारा है कि देश को सबके सबका साथ सबका विकास, ये जो नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा है, इसका ये विजय है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि सुरेश प्रभु जी का कहना है कि विचारधारा की जीत है, सबका साथ सबका विकास का नारा जो नरेंद्र मोदी जी देते हैं, उसी तरह से एक बार फिर से इस चुनाव में जीत मिली है, सब लोगों का समर्थन मिला है, और उन्होंने अपने अंदाज में रामनाथ कोविंद को अगली यानी नई जिम्मेदारी की बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। कैमरा में ललित के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।